रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध अभी थमा नहीं है ये दोनों देश बड़ी मात्रा में गेहूं समेत जरूरी खाद्यान्न को दुनिया भर को निर्यात करते हैं युद्ध लंबा चलने के कारण दुनिया के सामने खाद्यान्न की चुनौती खड़ी हो गई है इसी बीच रविवार को केंद्र सरकार ने लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा है कि देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध है और गेहूं आटा व चावल की कीमतें कंट्रोल में हैं मिली जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं कीमतों की निगरानी कर रही है जब भी आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय भी कर रही है मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध और महामारी के समय भी भारत ने पड़ोसी श्रीलंका अफगानिस्तान म्यांमार यमन और कई अन्य देशों को खादान की सप्लाई की है वहीं ये भी कहा गया है कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तीन महीने के लिए दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है इससे यह सुनिश्चित होगा कि त्योहारों के मौसम में गरीबों और जरूरतमंदों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े सरकार ने यह भी कहा कि गेहूं और चावल की खुदरा थोक कीमतों में कमी दर्ज हुई है और बीते सप्ताह आटे की कीमतें स्थिर रही कीमतों में और बढ़ोतरी से बचने के लिए कई कदम उठाए गए हैं गेहूं और चावल के मामले में निर्यात के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं है कि तीन वर्षो के दौरान एमएसपी में वृद्धि की के अनुरूप गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ी हैं 2021-22 के वित्त वर्ष में कीमतें तुलनात्मक रूप से इसीलिए कम थी क्योंकि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के जरिए करीब 80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खुले बाजार में उतार दिया गया था लेकिन अब सरकार ने कहा है कि फिलहाल गेहूँ आटा और चावल की कीमतें नियंत्रण में हैं और सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी